अंतस ध्यान में उतरो, मेडिटेशन में उतरो। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। ध्यान हमारा स्वभाव है, ध्यान हमारी नियति है, ध्यान ही हमारा धर्म है। भीतर बाहर दोनों ओर ध्यान प्रवाहित हो। हमने सारा का सारा ध्यान बाहर की ओर उड़ेल दिया, सारी प्रायोरिटीज हमने बाहर की ओर उतार लिया और भीतर अंधेरों से भर गया, भीतर अंधकार ही अंधकार छा गया। तनिक मात्र भी हमने ध्यान को दोनों ओर नहीं रखा। ध्यान का तीर, ध्यान का एरो, क्या गजब का तीर है, ये दोनों तरफ चलता है, साथ साथ दोनों ओर चलता है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अपने भीतर का, अपने आप का, अपने अंतस का ध्यान रहे, तो फिर तेरी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, उसका समाधान भी साथ साथ चला आता है। आपका बैलेंस, आपका संतुलन, आपका ब्लिस दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। तुम स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, सुख पूर्ण जीवन की आभा लेकर के जीते हो। जब तुम भीतर जागते हो, अपने अंधेरे दूर किया नहीं और दूसरों के अंधेरे दूर करने चले, अपना भीतर संभाला नहीं और बाहर दूसरों को संभलने की बातें करने लगी। हमने अपना भीतर संवारा नहीं और दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगे कि दूसरा संवरा हुआ हो। ये एक गजब का पॉलिटिक्स है माइंड का। आप अपने भीतर अपनी ओर जाग करके देखना कितना घना अंधेरा हमने पिरोया है। भीतर के आकाश में कहीं एक छोटी सी किरण भी ढूंढने से नहीं मिलती, कहीं कोई प्रकाश पुंज आपके भीतर, हम सब के भीतर हाथ लग जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। ध्यान 24 घंटे 12 मास हम सब के पास है, किंतु केवल बाहर की ओर बह रहा है, जिसके फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, पैनिक, एंग्जाइटी जैसी बीमारियां घर कर गई है। छोटी छोटी आयु में स्ट्रेस, छोटी छोटी आयु में टेंशन, छोटी छोटी आयु में डिप्रेशन है इस मानव समाज में, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सब ओर से तुम हर प्रकार की सुविधा लेकर के खड़े हो, परंतु छोटी सी कमी, छोटा सा वैक्यूम आज के मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न सोसाइटी में घटित हुआ है, वो यह कि हम अपना आप भूल गए हैं। हम अपने आप को, स्वयं को, अपनी रियल सेल्फ को, रियल नेचर को, अपनी ट्रू नेचर को ही भूल गए हैं। हम अपने आप को भूल करके जी रहा है, हम अपने आप को इग्नोर करके बहुत बहुत बाहर की दौड़ में उतरे हैं, अपने को जाने बिना दूसरों को जानने लगे हैं। ये एकमात्र दुर्घटना आज की मॉडर्न सोसाइटी में घटित हुई है कि हमने सारी की सारी प्रायोरिटीज बाहर की ओर उड़ेल दिया। थोड़ी सी भीतर की ओर भी प्रवाहित कर लेते तो जिंदगी को किसी पे निर्भर न होना पड़ता, ये जीवन सदा सदा के लिए बाहरों में उतर जाता। ये थर्ड आई तेरे हाथ लग जाए, जो तेरी अपनी संपदा है, ये तेरे हाथ लग जाए,
ये भीतर का ध्यान, भीतर की सुरती, भीतर की अवेयरनेस, ये स्टेट ऑफ अवेकनिंग तेरे हाथ लग जाए तो तू आत्मनिर्भर हो जाए, तू एक नंबर का नॉलेजेबल हो जाए, तू एक नंबर का शिखर हो जाए जो दुनिया भर को शैडो छाया प्रदान कर सकता है। आनंद मस्ती का भंडार होकर के जीना तेरा धर्मा है। इस ह्यूमन लाइफ को रिस्पेक्ट प्रदान करना, सम्मान देना एक महान तेरा कर्तव्य है। मिले हुए इस महान वरदान को तुम इस तरह से इस्तेमाल करना कि विराट होके जीना, टोटैलिटी में जीना, टोटल होके जीना, अधूरा नहीं जीना, पूरा पूरा जीना। इस धरती के ऊपर ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका हाथ से न गुजरने पाए। धन्य धन्य है वो बचपन जिसके हाथ भीतर का जागा लगा, वो जवानी धन्य धन्य है जो भीतर बाहर जागी है, वो जिंदगी धन्य धन्य है जो अपना बैलेंस, अपना संतुलन संभाले हुए है। वही एकमात्र अस्तित्व है जहाँ तो सदा सदा विश्राम में, आनंद में, मस्ती में, अपनी एनर्जी में, ऊर्जा में, अपने शिखरों पर लहलाता हुआ कर्मशील होता है। फिर तू वर्क को वर्क के लिए करता है, कर्म को कर्म के लिए करता है, फिर कोई एक्सपेक्टेशन तेरे भीतर नहीं रह जाती। क्यों? तुम जिस सुख की एक्सपेक्टेशन करते हो, एक्सपेक्ट करता हो, वो तुम्हें पहले भीतर ही मिल जाता है। जब अपनी भीतर ही मिल जाता है तो हम बाहर के कर्म के पीछे किसी प्रकार का परिणाम क्यों देखेंगे? कर्म का फल, कर्म फलाकांक्षा हम क्यों पिरोएंगे? कर्म ही हमारे लिए इतना सुख स्वरूप हो जाएगा, आनंद स्वरूप हो जाएगा, इतना मस्ती का प्रदाता हो जाएगा कि हमें कर्म फल को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही एकमात्र स्वभाव है इंसान का, यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही है ह्यूमैनिटी का रूप है। अगर ऐसा स्वभाव हाथ लग जाए तो कितनी मस्ती, कितना प्रेम, कितना प्यार छलक उठता है कर्म भूमि पर। बाहर की जिंदगी में हम कितने खुशहाल, कितने बेप्रवाह, कितने आनंदित होकर के उतरते हैं। व्यवहारिक जीवन में तनिक मात्र भी इम्बैलेंस नहीं आ सकता, कोई किसी प्रकार की मेंटल वरी हमको छू नहीं सकती, कोई किसी प्रकार का भी मनोरोग हमको पकड़ नहीं सकता, कोई प्रेशर, कोई तनाव, कोई स्ट्रेस अगर उतरता भी है तो हम उसको काट के रख देते हैं, वो स्वयं ही कटता चला जाता है जब तुम भीतर से फ्रेश होकर के उठता हो। बाहर की जगत में कितनी भी समस्याएं उठे, अगर तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी जागा है, समाधान साथ साथ हाथ लगेगा। ध्यान हम सब का स्वभाव है। आइए प्रैक्टिकली हम ध्यान में उतरे। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही, दोनों पलकें मूंदते ही हम नेचुरल वे में बड़े स्वाभाविक रूप में देखने लगते हैं। हम भीतर की ओर थोड़ा थोड़ा जागे, देखने का ये महान प्रोसेस अपने प्रति निरंतर बना रहा है। लगातार भीतर की ओर अपनी सारी सुरती, भीतर की ओर अपनी सारी चेतना, भीतर की ओर अपनी सारी कॉन्शियसनेस अपने ऊपर उड़ेलते चले जाना। अपने पे दया, अपने पे करुणा, अपने पे रहमत करना। जो अपने आप पे दया, कृपा, करुणा बरसाते हैं वो एक दिन एनलाइटेंड होकर के आते हैं। स्वयं पहले अपना अंधेरा दूर कर लेना, फिर किसी को कछु कहने लायक बनोगी। उससे पहले तुम कितना भी कहना उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भीतर की दिशा संभालना, ये जीवन दिशा है। डायरेक्ट वॉच करना अपना भीतर, जैसा कैसा भी उसको देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है,
माइंड का चाहो और पसारा, चाहो और बिखराव, भटकाव, भगोड़ापन ही आप देखते रहना। तनिक मात्र में दखल नहीं देना, देखना, केवल देखना। हम सबके पास देखने की सक्षमता है, पोटेंशियल है। हम सब अपनी ओर जागे जागे देख सकते हैं। ये पोटेंशियल जन्म से ही हमारे साथ पिरोया गया है। ये अवसर, ये आविष्कार का, अपने जीवन के आविष्कार का। जन्म जीवन नहीं है, जन्म एक अवसर है जीवन को उपलब्ध करने का। अपना अस्तित्व, अपनी आत्मा, अपना विराट स्वरूप, अपनी ट्रू नेचर को उपलब्ध करने का एक अवसर मिला है मानव जन्म। ह्यूमन बॉडी में ये आविष्कार घटित होता है और किसी भी पशु पक्षी की योनि में, किसी भी अन्य बॉडी में नहीं होता। ह्यूमन बॉडी में ये एकमात्र गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपना आविष्कार कर लेना, अपने को डिस्कवर कर लेना, अपनी ट्रू नेचर को उपलब्ध होना। मैं हूं देखने वाला, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, चेतन हूं, मैं अकर्ता हूं। एक बात, मैं ऑब्जर्वर हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। जो जो भी भीतर घटित हो रहा है उसको देख रहा हूं। डायरेक्ट वॉचिंग विल हेल्प यू टू बी थॉटलेस। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। ये महामंत्र स्मृति में रहे। ये जाप नहीं करना, सिमरन नहीं करना, समरण रहे, एकमात्र रिमेम्बरेंस में रहे। आई एम ए सीयर, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम वॉचिंग माई माइंड, ऑल माई थॉट्स, आई एम सिंपली लुकिंग। वट एवर हैपनिंग बिफोर मी इन साइड, आई एम वॉचिंग दैट। सिंपली वॉच, सिंपली लुक, विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर, यू सिंपली वॉच। वॉचफुलनेस इज योर ट्रू नेचर। बाहर के जगत में माइंडफुलनेस, भीतर की ओर जागे जागे वॉचफुलनेस, वॉचफुल रहना। कहीं भी इंटरफियर नहीं करना, दखल नहीं देना, चुनाव नहीं करना, एनालिसिस नहीं करना, कोई जजमेंट नहीं करना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। चाहे कितना भी अनुभव हो फीलिंग में, आप उसको देखते रहना। कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन मत रखना, किसी भी थॉट में इंडल्ज नहीं होना। माइंड के साथ कम से कम आइडेंटिफिकेशन हो, माइंड के स्वभाव को समझना, देखते रहना, डायरेक्ट वॉच करना। माइंड को कहीं फोकस नहीं करना। That's not a true form of meditation. Concentration follows meditation. Meditation has a lot of concentration power, contemplation power. It follows itself. We have not to put our mind on any focusing point, concentrating point. We have to see, simply see the activities of mind. Simply watch. अंधेरा है हम देखते रहें, सन्नाटा है हम देखते रहें। इन्हीं अंधेरों में मन का खेल, मन का बिखराव, मन का भटकाव, विचारों की भीड़, विचारों की गति, विचारों की आवाजाही, विचारों की चहल पहल, विचारों की ट्रैफिक देखते चले। क्या ट्रैफिक दिल्ली की सड़कों पर होगी जो तेरे भीतर की सड़क पर है। कितना जाम लगा रहता है विचारों की ट्रैफिक का।
रात दिन एक ही सोच में पड़ा पड़ा इंसान अपनी सारी विल पावर कमजोर कर लेता है। कितनी मल्टीप्लिकेशन है थॉट की, आप स्वयं अनुभव करना, स्वयं देखना, अनुभव करना और फिर उसको विदा करने का भी एक प्रायोरिटी, एक प्यास रखना। भीतर की ओर रहना, जागे जागे इस संगीतमय वाइब्रेशन में तुम अपनी ओर जागे रहना, प्रतीक्षारत रहना, इंतजार के पलों में रहना, भीतर की राह पर रहना, अपनी थर्ड आई में रहना, अपने स्वभाव में रहना। तुम एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी हो, निष्पक्ष ऊर्जा हो, स्वभाव में रहना। ध्यान का ध्यान रखना कहीं टूटे ना, देखने का प्रोसेस खंडित ना हो, होता है तो पुनः पुनः पिरोना, पुनः पुनः निर्मित करना, अपने आप को डिस्कवर करते चले जाना, अपने आप को अपने आप से देखते चले जाना। क्या गजब की सुपर साइंस है यहां, जहां दूसरा कोई नहीं चाहिए, हम स्वयं ही देखने वाले हैं और जो जो दिखाई देता है वो सब माइंड है। हम माइंड को डायरेक्टली वॉच करें, ना कि माइंड को कहीं फोकस करें। हम सबके पास थर्ड आई है डायरेक्ट देखने की, फिर हमें टेक्निक, मेथड, किसी प्रकार का ढंग तरीका क्यों चाहिए? बाहर के जगत में देखने के लिए हमें कौन सा टेक्निक चाहिए? ठीक उसी तरह हम सबके पास थर्ड आई है, भीतर देखने की कला है, भीतर देखने की सक्षमता है, भीतर देखने का पोटेंशियल बराबर है, हम सबके पास बराबर है जन्म से ही। वो अलग बात है कि हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं, हमें किसी ने जताया ना। हम जन्म के पश्चात जैसे ही बाहर की आंखों में उतरते चले गए, हम अपना भीतर भूलते चले गए। सब लोगों ने, बाहर भीतर रहने वालों ने, दाएं बाएं रहने वालों ने, घर परिवार के लोगों ने हमको बाहर की ओर जोड़ना शुरू किया और हम बाहर की ओर जुड़ते चले गए, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। फिर तो क्या जुड़े कि हम बाहर ही रह गए, हम कभी अपने भीतर की ओर वापस लौटे ही नहीं। वहां अंधेरा ही अंधेरा छा गया, अंधकार ही अंधकार छा गया, जिसको दूर करने के लिए एडिसन का बल्ब काम नहीं आएगा, जिसको दूर करने के लिए एकमात्र जागे पुरुषों का दिया काम आएगा। महान संभावना स्वरूप पथिक राही, कहाँ जा रहा है? अपने केमिकल्स इंबैलेंस में नहीं करना, इंबैलेंस होते ही भीतर का सब मनोरोग, हृदय रोग तुझे छू लेता है, पकड़ता है। माइंड की गुलामी अच्छी नहीं है, गुलामी भी करनी है तो अपने मालिक की करना, जिसने तुझे जन्म दिया, अपने जन्मदाता की। तो हम उस डिविनिटी की करना जिसने तुझको अवसर दिया धरती पर आने का, चूकना नहीं इस अवसर का।
तनिक मात्र में अपने केमिकल्स को इम्बैलेंस में ना होने देना। बैलेंस रखना तेरा धर्म है। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है, तेरे चौकीदार आवाज लगाते, चौकी पे विराजमान तेरे चौकीदार रात दिन तुझको आवाज लगाते, आउट ऑफ कंपैशन, करुणावश, और कुछ लेना देना नहीं होना है तेरे इम्बैलेंस को चोट पहुंचाने के लिए, तेरी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन को विदा करने के लिए, तेरे को सुख पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण इस धरती पर जगमगाने के लिए आवाज लगाते हैं। कोई एहसान नहीं, एकमात्र एहसास है अपने जैसा आनंद तुम्हारे भीतर भी जगमगा उठे। तुम भी एनलाइटेंड होकर के जियो धरती पर, भारत माँ की संतानों अपनी संस्कृति में जियो। संस्कृति सभ्यता नहीं है, बाहर की सभ्यता कैसी भी हो, बाहर की सभ्यता आपके लिए मॉडर्न नहीं है, ये तो मोस्ट प्रिमिटिव है आपके लिए। हजारों वर्षों पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जीन ही पहनते थे जो तुम आज पहन रहे हो। तुम्हारे लिए कछु भी कोई किसी प्रकार की वेस्टर्न कल्चर की गुलामी नहीं है। जो जो तुम वेस्टर्न कल्चर में पाते हो वो सब तुम्हारी धरती पर पहले से, हजारों वर्ष पहले से ये सिविलाइजेशन वर्क करती रही है, परंतु उन्होंने अपनी कल्चर नहीं छोड़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में उन्होंने अपनी संस्कृति भीतर का जागा, भीतर की होश नहीं छोड़ा। जो आज हम छोड़े फिरता वो गलती उन्होंने नहीं किया। मोस्ट मॉडर्न लाइफ में रह करके भी तुम अपनी मेडिटेशन रखना, अपने भीतर की आंख रखना, ये कल्चर है। ये कल्चर केवल भारत माँ की है, संसार में और कोई कल्चर नहीं, एक इंडियन कल्चर है। बाकी सब सिविलाइजेशन है, बाकी सब सभ्यताएं हैं। सभ्यता अलग अलग हो सकती है किंतु कल्चर, कल्चर एक ही है, सेल्फ कल्चर। एकमात्र सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ एम्प्रूवमेंट, सेल्फ डिस्कवरी एकमात्र संस्कृति है। बाहर की तरह भीतर की ओर भी जागे जागे जीना, जागे रहना अपने माइंड के प्रति, अपने मास्टरों के जीना कल्चर है, संस्कृति है। ये दिशा हमको केवल मात्र भारत भूमि पर मिलती है, जिसके लिए बड़े बड़े अरिस्टोटल भी तरस गए। आज भी दरवेश मिलता है भारत में, संसार के किसी भी धरती पर तुम्हें दरवेश नहीं मिलेगा। अगर मिलता है आज भी, बहुत रेयर है, बहुत रेयर एंटिटी है यहाँ, फिर भी मिलेगा भारत में, ये इसकी कल्चर है। टोटल अवेयरनेस में जीना, टोटालिटी में जीना, केवल ग्रेटनेस नहीं, केवल ग्रेट होके जीना नहीं, टोटल जीना, टोटालिटी में जीना इंसान का धर्म है। भारत भूमि का धर्म है टोटालिटी में जीना। सर्वप्रथम भीतर जागना, अपना अंधेरा दूर कर लेना, ये कल्चर है। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, अंधेरी है मन के दिया तो जला ली कहाँ।